ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेकंड पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्स्ट पार्ट था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेकंड पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाती है, वो नर्व्स आ जाती हैं जो पूरी हमारे पूरे जिस्म में नर्व्स फैली हुई है, जैसे वेन्स होती है ना ऐसी पतली पतली रेशे की तरह की नर्व्स होती है, ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जाके जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो इनको, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स वो सेल्स हैं, ठीक है, जो कि नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नितिन भी आप लोगों को ये बताया था न्यूरॉन्स क्या चीज होते हैं, ये सेल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिटेक्ट स्टिमुलाई, मींस कि ये स्टिमुलाई डिटेक्ट करते हैं। स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलाई किसको कहते हैं, इसको लिख लें आप इसके ऊपर, के कोई भी तब्दीली, ठीक है, जो एक्सटर्नल कोई तब्दीली आ रही है हमारी बॉडी फील कर रही है जो, ठीक है, कोई भी तब्दीली, जैसे हमारी बॉडी पे कहीं जो है वो जल गई है, कोई पार्ट जल गया है, तो ये जो टेम्परेचर हमारी बॉडी को या हीट मिली है ये क्या है, ये स्टिमुलस है। अगर हमारी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है ये भी क्या है, ये स्टिमुलस है, ठीक है। यानी कोई भी तब्दीली जो बॉडी फील करती है उस तब्दीली को क्या कहते हैं, उसको स्टिमुलस कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स टू डिटेक्ट स्टिमुलाई फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड योर बॉडी, यानी बॉडी के अंदर भी कोई तब्दीली आ सकती है या फिर बॉडी के बाहर भी, जैसे बाहर कोई कांटा चुभ गया, कांटा चुभ गया कोई हमारा हाथ का या पाँव, या फिर कोई बॉडी के बाहर जल गया उसमें वो, ये सब चीजें क्या है, ये स्टिमुलस है, ठीक है, स्टिमुलस है। ये तो कोई भी तब्दीली जो बॉडी फील करती है उसको क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। इट यूजेस मोटर न्यूरॉन्स टू कैरी सिग्नल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये मोटर न्यूरॉन्स, अब न्यूरॉन्स की भी ये टाइप्स हैं, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स हैं। ये मोटर न्यूरॉन्स के जरिए ये जो, जैसे अगर सिग्नल आ रहा है कोई, नहीं हमारी बॉडी में कहीं जो है वो कांटा चुभ गया है, तो हमारी बॉडी को ये जो सिग्नल है पेन का, ये चुभने का, ये किसके जरिए जाएगा हमारे ब्रेन तक, ये मोटर न्यूरॉन्स लेके जाएंगे। ये सिग्नल्स कौन लेके जाएंगे, मोटर न्यूरॉन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये कौन लेके जाएगा, ये मोटर न्यूरॉन्स लेके जाएंगे, ठीक है, बाकी पार्ट में बॉडी के। एंड स्टिमुलेट योर मसल्स और अदर टारगेट ऑर्गन्स, तो फिर वो आपके मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे, मीन्स उनको जाके हरकत में लाएंगे। यानी जैसे देखे ना, अगर आपने कोई गर्म चीज पकड़ ली, ठीक है, गर्म कोई चीज, आपके आपने आपको नहीं पता था कि वो गर्म है, आपके हाथ में कोई गर्म चीज पकड़ ली, टच कर ली, तो क्या होगा कि एकदम से आप अपना हाथ पीछे कर लेंगे, मीन्स आपकी मसल्स जो है एकदम से पीछे की तरफ कॉन्टेक्ट होंगी, कॉन्टेक्ट होंगी तो आपका हाथ जो है वो पीछे हो जाएगा। अब ये जो मूवमेंट हुई है मसल्स की, ठीक है ना, ये क्या है, ये टारगेट एरिया है हमारे मसल, यानी हमारा हाथ जो है ये टारगेट एरिया है, टारगेट ऑर्गन है, जहाँ पे कोई चीज हमने, जहाँ पर मतलब वो जल गया, उंगली जल गई या कुछ इस तरह से हो गया और फिर वो क्या हुआ, वो वापस पीछे हो गया, मसल्स कॉन्टेक्ट करनी, तो ये स्टिमुलेट करेंगे हमारी मसल्स को, यानी मसल्स को जाके हरकत में लाएंगे, स्टिमुलेट मीन्स हरकत में लाएंगे मसल्स को, ठीक है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, अब कितनी इसमें नर्व्स होती हैं, इसमें 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मतलब ब्रेन से निकलती हैं, क्रेनियम से, ब्रेन से, क्रेनियम होती है खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है उससे जो नर्व्स निकलती हैं। एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, और 31 पेयर होते हैं किसके, स्पाइनल नर्व्स के, जो नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। अब जितनी भी नर्व्स ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं ना, वो क्या बनाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो इसमें कितनी आती हैं, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं। मोस्ट नर्व्स कंटेन एक्सॉन्स फ्रॉम बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो दोनों नर्व्स हैं, ज्यादातर जो नर्व्स हैं उनमें एक्सॉन्स होते हैं, में क्या होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं फ्रॉम बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। अभी अब जब न्यूरॉन का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो वहां पर हमें एक्सॉन हमें नजर आएंगी, ठीक है ना, एक्सॉन, यानी पीछे उसकी डंडी सी होती है एक लंबी सी सेल में ना, ठीक है, उस सेल में, तो उसको एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। वो हम जब स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी एक्सॉन्स, ठीक है। इन जनरल द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ अ सेंसरी सिस्टम एंड मोटर सिस्टम, तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है किससे बना होता है, सेंसरी सिस्टम से भी और मोटर से भी। सेंसरी सिस्टम में आ जाती है जो हम महसूस करती हैं, वो नर्व जो के मतलब हमारे किसी भी चीज को महसूस करेंगी और वो मैसेज ब्रेन तक लेके जाएंगी, वो सेंसरी होती हैं। और मोटर वो होती हैं जो ब्रेन से वापस मैसेज लेकर आती हैं, जैसे देखिए हमारी उंगली जल गई, अब यहाँ से जलने की जो ये जो सेंस थी ये किसने महसूस की, ये सेंसरी सिस्टम ने महसूस की, ठीक है ना, सेंसरी न्यूरॉन्स है। और फिर ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं ये जब ब्रेन तक हमारा मैसेज लेके गए, तो ब्रेन ने वापस मैसेज भेजा हमारी उंगली तक के, वो क्या हो, कॉन्टेक्ट हो, मीन्स की मसल्स कॉन्टेक्ट हो जाए उस चीज को छोड़ दे, ठीक है। तो वो वापस मैसेज किसके जरिए आया है, वो मोटर न्यूरॉन्स के जरिए आया है। सिस्टम ऑफ सेंसरी नर्व्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अबाउट द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स में ये मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं हमारी उंगली में कांटा चुभ गया, ठीक है, या जल गई, तो ये जो मैसेज है ये किसके जरिए गया है, ये
सेंसरी नर्व्स के लिए गया है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ मोटर नर्व्स ट्रिगर्स वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स विद इन द सिस्टम। और जो मोटर नर्व्स हैं, ठीक है ना, इनका जो सिस्टम है मोटर नर्व्स का, वो क्या बढ़ाता है, ट्रिगर्स बढ़ाता है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज को, चलाता है हमारी बॉडी के अंदर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज को। अब वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज कौन से होते हैं और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज कौन से होते हैं? वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज वो होते हैं, इसके ऊपर लिख लें आप लेड पेंसिल से, जो हमारी विल के अंडर हो, हमारी मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं, हम अपने हमारे विल के अंडर है, जो हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं वो वॉलंटरी है, ठीक है, अपनी मर्जी से के जो काम है, और जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते वो इनवॉलंटरी है, ठीक है, इनवॉलंटरी। अब वॉलंटरी में क्या आ जाता है, जैसे हम हाथ हिला रहे हैं, ग्लास पकड़ रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब क्या है, पढ़ रहे हैं, ये सब वॉलंटरी है, ये कौन से काम है, वॉलंटरी है। और इनवॉलंटरी जो हमारी मर्जी जिनमें शामिल नहीं है, जैसे देखिए हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है हमारे स्टोमक में, ठीक है, अब हम स्टोमक को इजाजत तो नहीं देते ना, तो वो खाना हजम करता है, यानी वो हमारे विल से तो नहीं चल रहा, हमारी मर्जी से तो नहीं चल रहा। अब जो हार्ट बीट कर रहा है वो हमारी मर्जी से तो नहीं कर रहा है, तो ये इनवॉलंटरी है। जैसे हार्ट बीट हो गई, ठीक है, दिल धड़क रहा है, हमारा खाना हजम हो रहा है हमारे स्टोमक में, ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, ये सारे प्रोसेसेस कौन से हैं, ये इनवॉलंटरी है, ठीक है। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का आपको पता होना चाहिए कौन से रिस्पॉन्सेज है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपने ये करना है, यहाँ से आप लोगों ने ये याद करना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ नर्व्स शुरू से लेके, ठीक है, दैट कनेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल योर की जगह और लिखना और ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है, और यहाँ तक करना है। फिर इसमें आप यहाँ से निचले पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, यहाँ तक। फिर नीचे चले जाएं, यहाँ ये जो थर्ड लाइन है सेकंड पैराग्राफ की, जहाँ पे एरो आपको नजर है, द इन जनरल जहाँ लिखा हुआ है, अपने यहाँ लिखना है द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेंसरी सिस्टम एंड मोटर सिस्टम, ये यहाँ तक, ठीक है, तो बीच में से मैंने शॉर्ट करा दिया, जो ये आपने यहाँ तक ये लिखना है, ठीक है, और यही याद करना है, यहाँ तक आप समझ आइए, ठीक है। अब नेक्स्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है इसमें, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन सा आ जाता है, इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, ठीक है, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, कितने आ जाते हैं पार्ट्स हैं इसके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक, ठीक है, एंड नंबर टू इज द ऑटोनॉमिक। सोमैटिक जो है ये वो टाइप है नर्वस सिस्टम की दैट रेगुलेट्स ऑल द मूवमेंट्स ओवर विच यू हैव वॉलंटरी कंट्रोल, यानी जितने भी वॉलंटरी कंट्रोल है ना, मैंने जो बताया आपको कि जो हमारी विल के अंडर है जो काम, वो सब किसकी जिम्मा है, वो इस सोमैटिक नर्वस सिस्टम की जिम्मा, समझ आ रही है, वॉलंटरी जो भी एक्शन है ना, जैसे हम चल रहे हैं अपनी मर्जी से जाते हैं ना, जहाँ हमने जाना हो वहां जाते हैं, ठीक है, और फिर उधर हमारी बॉडी जाती है, मूव करती है, हम हाथों को हरकत करें अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हम कोई चीज पकड़ रहे हैं अपनी मर्जी से पकड़ रहे हैं, तो ये वॉलंटरी हो गए, हम पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, बुक पकड़ी हुई है, ठीक है, ये सब कौन से, ये वॉलंटरी कंट्रोल है, तो ये सब वॉलंटरी कंट्रोल जो है, ये इसके जितने भी मूवमेंट है ये किसके अंडर है, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के, ठीक है, इट कनेक्ट्स टू द नर्वस सिस्टम टू टारगेट ऑर्गन्स। टारगेट ऑर्गन्स क्या हो गए, आपके हाथ पांव की मसल्स वगैरह, ठीक है, ये सब क्या हो गए, ये टारगेट एरियाज हो गए, तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया, समझ आई, ये कि इसके कंट्रोल में क्या है, वॉलंटरी कंट्रोल जो है वो ये करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये वो कंट्रोल करता है जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस है, जिसमें जिसके बारे में हम नहीं सोचते, मतलब हमारी विल उसमें शामिल नहीं है, हमारी मर्जी शामिल नहीं है, समझ आ रही है, जैसे इनवॉलंटरी मसल्स हेल्प यू टू डाइजेस्ट फूड, जैसे देखिए हमारी इनवॉलंटरी मसल्स हैं हमारी स्टोमक की, इनवॉलंटरी मसल्स किसकी हैं, स्टोमक की हैं, जो हमारा खाना डाइजेस्ट करती हैं, ठीक है, और फिर इंटेस्टाइन वगैरह में इसको पुश करती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, तो होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करने के लिए, हमारे इंटरनल जो बॉडी का जो टेम्परेचर है और बॉडी में जो वाटर है इसको बैलेंस रखने को कहते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है और जो पानी है हमारी